पैसों के लालच में माता पिता ने किया नाबालिग युवती का विवाह। महिला ऊर्जा निदेशक प्रभारी प्रतिभा सिंह ने बाल विवाह जैसे मुद्दों पर नहीं लिया संज्ञान। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के गंज बसौदा क्षेत्र की एक 16 वर्षीय नाबालिग युवती ने माता पिता पर पैसे के लालच में आगरा निवासी सौरभ तिवारी के साथ पैसा लेकर विवाह कराने का आरोप लगाया। मौका मिलते ही युवती आगरा से भागकर आशीष रैकवार के घर आ गई। युवती अभी भी आशीष रैकवार के घर पर ही है। युवती के माता पिता ने आगरा निवासी सौरभ तिवारी के दबाव में आकर आशीष के खिलाफ 376 का मामला दर्ज करवा दिया था। वहीं दूसरी ओर पुलिस का रवैया भी इस मामले में गोलमाल दिखाई दे रहा है। युवती ने बताया कि मेरे बयान लिए बिना पुलिस ने आशीष रैकवार पर एक तरफा कार्रवाई की। इस कारण से महिला ऊर्जा डेस्क प्रभारी प्रतिभा सिंह की मिली भगत नजर आ रही। महिला ऊर्जा डेस्क प्रभारी प्रतिभा सिंह बाल विवाह जैसे मुद्दों पर संज्ञान ना लेकर बार बार युवती को परेशान कर रही है। महिला ऊर्जा डेस्क प्रभारी प्रतिभा सिंह ने स्वीकार किया है कि युवती का बाल विवाह हुआ है। युवती ने विदिशा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मोनिका शुक्ला को आवेदन दिया है। युवती ने मदद करने वाले आशीष रैकवार को बेल देकर सकुलता बरी किए जाने की मांग की है। अब देखना होगा युवती को न्याय मिलता है कि नहीं। वहीं पुलिस प्रशासनिक अधिकारी बाल विवाह पर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। अब देखना होगा कि पैसे के लालच में अगर बाल विवाह करने और करवाने वाले पर जिले में बैठक वरिष्ठ अधिकारियों की द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। कैसे भेज दिया उसको? ये लड़के को लेके आ रहा है, इसकी मदद करिए। हाँ, लड़के की मदद करिए। लड़के कहाँ लेके आए? उसी को जेल भेज दिया। उसी को जेल भेज दो। अच्छा, आपने थाने में वगैरह में? थाने में हमें मौके नहीं मिल पावा, अगला लग गया जेल ले गए। अच्छा, और जेल भेजा हुआ है। अच्छा, ये लड़की अपनी मर्जी से रह रही थी? अपनी मर्जी से, हमारा कोई इससे मतलब नहीं है। अच्छा, अपनी मर्जी से ही। अच्छा, कोई किसी कोई कुछ कह रहा है क्या ये यहाँ रह रही है लड़की? भाई मैडम, आप कहीं से आ रहा है? मैडम ही परेशान करती हमें। कहाँ की मैडम है, कौन से थाने की मैडम है? वो जब थाने की है अपनी सिटी वाली। क्या कहते हैं मैडम? कहती आप क्यों रख रहे हो? अच्छा, तो आपने बताया नहीं कि अपनी मर्जी से रह रही, कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसके भाई जब आपका भेजो तो मैं कि भावा जा नहीं रही। अब जाकर जिम्मेदारी आप लो तो आप रख लो। सही कहा, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं कहाँ से रखूँगा? अब वरना मैं भगा सकूँगा? बयान उपा हो जाएगा, मर कर जाए तो कौन जिम्मेदार है? अब बढ़िया रही है तो अब मैं कहाँ भगा दूँ? सही, ठीक है दादा, धन्यवाद। कहाँ रहती हूँ? तहसील? क्या हो गया था जो एसपी ऑफिस आई थी तुम? पापा ने मुझे ना आगरा में बेच दिया था सौरभ तिवारी को। मेरे मौसी और पापा उनमें दोनों शामिल हैं, तो मैंने इस आशीष के साथ में आ गई थी। तो इन्हें रिपोर्ट की और कोई मेरे बयान नहीं लिखे गए, और जो मैंने बयान दिए तब भी लड़का जेल गया। और मैंने मैडम जी तक बोला कि इन लोगों ने मुझे बेच दिया है, तब भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, ना कोर्ट में ना थाने में। और पापा मम्मी मुझे उसके पास जबरदस्ती भेज रहे हैं। जी मैम, शुभ नाम क्या है आपका? एस आई प्रतिभा सिंह। जी, आशीष रैकवार पर क्या कार्रवाई की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? आशीष रैकवार एक नाबालिग लड़की को भगाकर ले गया था और करीबन 2 महीने रखा, और शायद अगस्त में ले गया था, और फिर उसे हमने अक्टूबर में हमने उसे दस्तयाब किया। उसके स्टेटमेंट लिए तो उसने बताया कि वो उसे काफ़ी समय से पसंद करती थी, लेकिन उसकी शादी कहीं और हो गई थी। तो फिर वो अपने मायके आई हुई थी, तो आशीष उसे बहला फुसला कर ले गया कि चलो हम शादी कर लेंगे। तो 2 महीने तक उसे इंदौर में रखा, वहाँ से वो दस्तयाब हुई थी। फिर उसके बाद उसमें 363 की FIR पहले हो गई थी हमारे यहाँ। फिर उसके बाद उसमें 376 इजाफा हुई, SC ST एक्ट की इजाफा हुई, और उसको फिर गिरफ्तार करके जेल भेजा। मैंने सिर्फ उसमें स्टेटमेंट लिए थे और मेडिकल करवाया था, और वो प्रेग्नेंट भी थी। जैसे कि मैम नाबालिग लड़की थी और उसके माता पिता ने उसकी नाबालिग में शादी कर दी थी, तो आखिर उन पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई, और जो आगरा उसको बेचा गया था उस पर क्यों कार्रवाई नहीं की गई? बेचने का हमें उस लड़की ने भी कुछ नहीं बताया, उसके माता पिता ने भी नहीं बताया। उन्होंने बोला कि हमने उसकी शादी करी थी, अब क्योंकि पहले हमारे पास इसकी कोई सूचना ही नहीं आई कि उसकी ज़बरदस्ती शादी कर दी या जैसा भी। अगर पहले आती तो वो उस पर कार्रवाई करते, लेकिन क्योंकि लड़की 17 साल की है और माता पिता का जहाँ तक है उसमें अधिकार है, उन्होंने शादी कर दी तो ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी शादी जल्दी हो जाती है, लेकिन नाबालिग लड़की की कैसे संभव हो सकती है शादी? आप बोल रही हैं कि नाबालिग लड़की की शादी संभव है,
बात संभव की मैं बोल ही नहीं रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ माता पिता ने कर दी तो उसकी हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन क्योंकि वो लड़की को भगा ले गया उसकी हमारे पास उसके माता पिता ने रिपोर्ट लिखवाई कि मेरी लड़की को वो भगा ले गए हैं, तो फिर हमने उस पर FIR की, इसको दस्तयाब किया, फिर उसमें इजाफा हुई धारा। अगर उसकी हमारे पास कोई शिकायत करता कि इन्हें अपनी नाबालिग लड़की की शादी कर दी है, ये कर दी है, तो उसमें कार्रवाई करते फिर उसकी। लड़की का कहना है कि मेरी 16 साल में मेरे माता पिता ने मुझको 1,00,000 रुपए में आगरा में बेच दिया था सौरभ तिवारी को, और सौरभ तिवारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, और दूसरी बात कि आशीष रेकवार पर कार्रवाई की गई है। उसने हमारे को जो स्टेटमेंट दिया है कोर्ट में भी स्टेटमेंट हुए उसके 164 के, और थाने में भी हुए 161 के, इसमें उसने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं कि मुझे बेच दिया गया या ऐसी कोई जबरदस्ती शादी हुई है, ये हुआ है, कुछ भी नहीं। उसने आशीष रेकवार का बताया, उसे हमने जेल भेज दिया। खबर भारतवर्ष के लिए विदिशा से भैयालाल ठाकड़ की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।